अंजर नगर परिषद अंजर के अंदर नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष बसंती बाई सूरजमल पिपरिया के द्वारा नगर परिषद के उपाध्यक्ष कक्ष में अंदर पूजा पाठ कर आरती कर अपना पदभार ग्रहण किया है और जनता से आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस अवसर पर परिषद के नव निर्वाचित अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती, क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन, उद्योगपति शेखर चंद पाटनी सहित नगर के गणमान्य नागरिक और सभी समाज के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं और पदभार ग्रहण के साथ ही ढोल धमाकों के साथ जमकर आतिशबाजी की है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन ने कहा, चुनाव के बाद जनता ने जो प्रत्याशियों विजय बनाया है, हम सब एक है और अंजड हमारा पूरा परिवार है। हम सब मिलकर नगर अंजड की पेयजल, साफ सफाई, निर्माण जो भी समस्या है उसको लेके पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे। मैं आज आया हूँ, जिन भाइयों का भी आशीर्वाद रहा मुझ पर, यहाँ आने के बाद ये 101% नहीं, 1001% आपको दावा करता हूँ, वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, 5 साल के अंदर ऐसा कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि नगर परिषद के अध्यक्ष सम्मानित मांगीलाल भाई मुकाती जी और मैं कभी आपको अलग नहीं नजर आएंगे। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, क्योंकि पूरे गांव का एक ही मकसद और एक ही नजरिया है और एक ही उम्मीद है कि पिछली परिषद में जो कोरोना वगैरह जो भी घटनाएं उसके कारण विकास नहीं हुआ, मैं आपको मांगीलाल भाई की तरफ से भी गारंटी लेता हूं कि आपका जो भी काम होगा बिना भेदभाव, बिना जातिवाद, बिना धर्म और बिना राजनीति से उठकर आपका एक एक काम करने की गारंटी मैं मांगीलाल भाई की मैं खुद स्वयं लेता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ साये की तरह रहूंगा। आगे मांगीलाल भाई रहेंगे, पीछे मैं रहूंगा। सिर्फ जिस्म दो एक अलग हो सकते, परंतु आत्मा दो एक की एक रहेगी, 5 ही साल तक रहेगी, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है लोगों का कुछ भी वहम हो, जो भी बातें चल रही हो मैं सब समझता हूँ, सुन रहा हूँ, वो उसका पूरा विपरीत करके आपको दूंगा और आपकी हर एक उम्मीद को, आपके हर एक विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा, खरा उतरूंगा, खरा उतरूंगा। और किसी भी व्यक्ति को जो अंतिम कड़ी में बैठा है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, मैं पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करूंगा कि नगर परिषद की हर सुविधा, हर योजना का लाभ, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, उसको पहुंचाने के लिए हम दो भाई मिलकर आपकी सेवा के लिए 5 साल तक ना वो अध्यक्ष रहेंगे ना मैं उपाध्यक्ष रहूंगा, आपके सेवक थे, सेवक और सेवक ही रहूंगा। इसी वादे के साथ मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद कहता हूं। आपने जो मुझे सम्मान दिया, इज्जत दी, उसके लिए मैं आपका, आपके चरणों में मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आभार करता हूं। जो मंच पर आए, जिन्होंने मेरे एक बुलावे पर, किसी को तो भाई को फोन भी नहीं करा, एक बुलावे पर मेरी भावना को समझते हुए जिन्होंने अपना समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आभार, धन्यवाद। और गलती हो गई, गलती तो मेरे से होती है शुरू से, अगर गलती हो गई तो उसके लिए आप मुझे भाई समझकर, बेटा समझकर मुझे माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय नगरी। आदरणीय हमारे शेखर चंद पाटनी जी और भी हमारे मांगीलाल पाटीदार जी, बसंती सूरज पिपलिया जी, हमारी कमला बेन, आदरणीय भागी जी, आदरणीय हमारे कार्तिक भाई जो तीसरी बार सांसद बने हैं, साथियों लगभग सभी को मैं जानता हूँ। आगे बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए, सब सुबह सुबह के कार्यक्रम हैं। सर्वप्रथम आप सभी को और भी जो जो मेरी बात को जो सुन रहे हैं, जो हमारे कुछ पार्षदगण हैं जो यहाँ उपस्थित हो, जो नहीं है, सबको, आप सभी को